वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नया दिन नए दिन की शुरुआत। और अभी मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट, तो मैं आपको सरोजनी का हॉल दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए सरोजनी नगर का नया कलेक्शन विंटर कलेक्शन आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं अब सरोजनी नगर में। मेट्रो स्टेशन पर आ चुकी हूँ, मेट्रो का वेट कर रही हूँ। मेट्रो को आने में अभी 4 मिनट लगेंगे पूरे, फिर मेट्रो में जाते हैं। तो सरोजनी मार्केट में कर दी है एंट्री। एंट्री ही करते 100 रुपए के कैप मिले जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे, और 100 रुपीज के बड़ों के थे, 200 के बच्चों के थे। उसके थोड़े आगे चले तो यहाँ पे 200 रुपीज की सेल लगी हुई थी जो कि पजामे थे गरम। उसके ही जस्ट बराबर में 150 रुपए की सेल लगी हुई थी जिसमें मिल रहे थे स्वेटर, लॉन्ग भी थे, शॉर्ट भी थे, और क्रॉप भी थे, और हाफ भी थे जो कि कलर में भी बहुत अच्छे थे और सेल में थे 150 रुपीज की, सिर्फ 150 रुपीज के। और उसके ही जस्ट ऊपर लगे हुए थे कोएड सेट जो कि थे 500 रुपीज के। उसके थोड़े आगे चले तो यहाँ पर लगे थे बच्चों के 150 रुपए में सिर्फ स्वेटर, वो भी इतने अच्छी क्वालिटी में थे 150 रुपए के, जिसमें हर साइज के बच्चों के थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सब एज के बच्चों के थे। उसके थोड़ा आगे चले तो हमें दिखे यहाँ पे ब्रेसलेट जो थे ना वो 100 रुपए का एक था, तो उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती तो अच्छे खासे रेट में वो दे देते हैं, 50-50 रुपए में दे देंगे। उनके ही स्टॉल था एक इयर रिंग्स का, इसमें अलग अलग रेट में इयर रिंग्स थे 50, 100, 30, सबके ना साइज़ के अकॉर्डिंग रेट्स थे, 50 भी थे 100 भी थे और 30 रुपए भी थे, 30 रुपए छोटे साइज़ के थे। यहाँ पर ये कोर्स थे 700 रुपीज़ के, इनमें बार्गेनिंग करेंगे तो 500 में आराम से दे देंगे। और ये चिकन के कुर्ते थे कॉटन वाले जिन पर चिकन का काम हुआ था, 250 रुपए के शॉर्ट कुर्ते थे, आप जीन्स वगैरह पर इनको आराम से पहन सकते हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा, तो इनका जो कलर था ना बहुत अच्छा था। समर कलेक्शन थोड़ा कम था क्योंकि मैंने आपको पूरा विंटर कलेक्शन दिखाया, तो समर का तो वहाँ इतना था नहीं, जो थे वो मैंने नहीं रिकॉर्ड करे क्योंकि विंटर कलेक्शन दिखाना है तो विंटर ही दिखाएंगे ना। 400 रुपीज़ के गरम कुर्ते थे, फिर यहाँ पे 20-20 रुपये के इयर रिंग्स मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे थे, 20 रुपये के ये ऐसे लगा के बैठे हुए थे। इनके पास क्लैचर, हेयर क्लिप सब कुछ था। और यहाँ पर ये जैकेट मिल रही थी जो कि सिर्फ 250 रुपये में थी, क्रॉप वाली जो वुलन जैकेट होती है ये। फिर यहाँ एक बच्चों का स्टॉल दिखा, इस पर 300 रुपये का ये पूरा सेट था। इनके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन थे बच्चों के, उसमें 300 रुपये में हर साइज में थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 साल 3 साल 4 साल जिस भी एज के बच्चे के लिए। और कलर कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इनके पास सारा बच्चों का था, तो मैंने यहाँ से लिया। और आप भीड़ देख सकते हो क्योंकि हम गए थे इवनिंग के, मतलब 3-4 बजे के आसपास, तो बहुत भीड़ हो गई थी। और ये सैटरडे संडे का दिन नहीं है, ये वीक डेज हैं, हम शायद ट्यूजडे या वेनसडे में गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर यहाँ गर्म पजामे मिल रहे थे, इनके भी 100 रुपीज़ के थे, इनमें सब मिक्स था, अपर भी थे और लोअर भी थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अलग अलग उसमें थे कलर्स में। और उसके ही जस्ट आगे चले तो पूरा नाइट सूट का जो वुलन वाला सेट होता है यहाँ पर मिल रहा था जो कि वो 600 या 700 का बता रहे थे, बट हमने यहाँ से उनसे आराम से 500 रुपीज़ में ले लिया, 400 या 500 की रेंज में वो आराम से दे देंगे अगर आप बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग सरोजनी में बहुत चलती है। फिर से बच्चों का स्टॉल दिख गया जिसमें 200 रुपये के ये पूरे नाइट सूट्स मिल रहे थे, यहाँ पर जीन्स वगैरह भी मिल रही थी, सबके अलग अलग रेट्स थे। जैसे मैंने आपको बताया ना बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं ना ये 700, 800, 900 सबके रेट अलग अलग थे। और यहाँ पर ना जेंट्स का भी बहुत सारा ऑप्शन था इस बार विंटर कलेक्शन में, यहाँ लोअर्स मिल रहे थे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में जेंट्स के मिल रहे थे, और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर ये अपर्स मिल रहे थे स्विच शर्ट्स वाले 250 रुपीज़ के, इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। फिर ना सरोजनी में वुलन वाले स्कर्ट बहुत मिल रहे थे 200-200 रुपए की सेल में, और शॉर्ट भी थे लॉन्ग भी थे। ये जैसे आपको अगर शॉर्ट पसंद है मिनी स्कर्ट वाले तो वो भी मिल रहे थे, और लॉन्ग वाले पसंद है वो भी मिल रहे थे। और कलेक्शन जो था ना कलर जो थे बहुत अच्छे थे, ब्लैक, ग्रे, क्रीम, ब्राउन, जो भी कलर चाहिए। और ये चेक वाला जो था मिनी स्कर्ट में था, तो जैसे मैंने बताया ना सरोजनी में हर जगह वुलन वाले स्कर्ट्स तो बहुत मिल रहे थे। फिर यहाँ पर 150 रुपये की सेल में ना लॉन्ग प्रोवर मिल रहे थे, ओपन फ्रंट ओपन भी थे स्वेटर जिसमें कार्डिगन्स भी थे, मिक्सअप थे ये, हाई नेक वाले भी थे और ये लॉन्ग भी थे, क्रॉप भी थे और फ्रंट ओपन भी थे जो कि सिर्फ 150 रुपये में थे। और प्लीज़ ना यहाँ पे ना थोड़ा देख के लेना पड़ता है क्योंकि कुछ कटे पटे भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा देख के लेना पड़ता है। और जिस स्टॉल पर भीड़ होती है ना उस पर सच में देखा भी नहीं जाता कि क्या देखें क्योंकि भीड़ इतनी होती है, 100, 200, 150 रुपये वाले स्टॉल में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत मुश्किल से वहाँ पर ना कलेक्शन कर पाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है, घुस ही नहीं पाते ना। जैसे कि मैंने आपको बताया सरोजनी जो जाता होगा
होगा उसको पता होगा, फिर से पजामे आ गए क्योंकि विंटर चल रहा है, विंटर का सीज़न है, सब लोग गर्म नाइट सूट्स वगैरह ही पहनते हैं, हर चीज़ वुलन की होती है, तो यहाँ पर पजामे और अपर वगैरह बहुत सारे मिल रहे थे। और यहाँ पर जैकेट्स थी जो कि 700-800 की थी, और ये जो बच्चों का कलेक्शन था ना, ये ऐसे ही लगा के बैठे हुए थे जो कि 100-100 रुपये में बेच रहे थे। इनमें कुछ डिफेक्टेड भी थे और कुछ अच्छे भी थे। 100 रुपये में कोई वो नहीं है, आप इनको अपने बच्चों को घर में डेली यूज़ में आराम से पहना सकते हो, ठंड के टाइम पे घर में ही तो पहनने हैं, कौन से बाहर जाने, तो इनको थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। फिर से वुलन स्कर्ट आ गए, इनके पास थोड़े कलर अलग थे, हर स्टॉल पे अलग अलग थे, बट बहुत अच्छा कलेक्शन था इस बार विंटर का। इसमें कुछ प्लाजोज भी थे। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेन्स वेयर भी बहुत थे, तो यहाँ पर स्वेटशर्ट्स थी जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ की जेंट्स की मिल रही थी, इनमें भी बहुत अच्छे थे। कुछ इसमें ज़ारा और H&M के भी थे, तो जैसे मैंने आपको बोला है ना कि थोड़ा देख के लेना पड़ेगा, पर इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनको मैंने पर्सनली लिया भी है ना अपने हस्बैंड के लिए, तो इसलिए मुझे पता है। फिर यहाँ पर से फिर प्लोवर आ गए जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ के थे, और 100 रुपीज़ वाले ना स्टॉल में जैसे कि बताया ना बहुत भीड़ थी, ये लॉन्ग भी थे, शॉर्ट भी थे और क्रॉप वाले भी थे, और हाफ जो आजकल चल रहे हैं ना, हाफ स्लीव वाले स्वेटर्स जो चल रहे हैं वो भी थे इनके पास। तो सरोजनी में ना बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, विंटर कलेक्शन, आप इसमें स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। 700 का फुल ड्रेसेस थे इनके पास, 900 रुपीज़ के भी थे, 800 रुपीज़ के भी थे, लेने में बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको बताया है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, हम थोड़ा इवनिंग के टाइम पे गए थे तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली थी। तो मैं आपको बोलूँगी ही कि मार्केट जब ओपन होती है 11-12 बजे के आसपास जाओ तो बहुत अच्छे से शॉपिंग भी हो जाएगी और सब चीज़ें आप अच्छे से ले भी सकोगे। तो यहाँ पर ये जैकेट्स थी जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रही थी, इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पतली सी थी ज़्यादा, मतलब इनमें इतना कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। और फिर यहाँ पर ना मुझे ये स्वेटर जो था ये श्रक टाइप में था, ये मुझे ये बता रहे थे 750 रुपीज़ का, मैंने छोड़ दिया ये कह के कि ये बहुत बड़ा लग रहा है, बट जबकि मुझे पता था कि ये श्रक टाइप में और अच्छा भी है। तो बेचारे अंकल ने मुझे 300 रुपीज़ में दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार्गेनिंग की बहुत ज़रूरत है, बेचारों की बोनी भी नहीं हुई थी। और ये कोट जो था ना ये 800 रुपीज़ का बता रहे जो कि हमने 500 रुपीज़ में ले लिया। तो आप भी ऐसी ही बार्गेनिंग करो तो आपको भी बहुत आधे रेट में मिलेगी चीज़। और 100 रुपीज़ के बच्चों के पजामे मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, गर्म पजामे थे, तो 100 रुपीज़ में ऐसा क्या बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है। सरोजनी में वैसे भी बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर चीज़ वहाँ पर देख के भी लेनी पड़ती है क्योंकि कुछ डिफेक्टेड भी होती है और कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी में भी होती है कि देख के सोचते हो यार इतने सस्ते में हम इतनी अच्छी ब्रांडेड चीज़ लेके आ गए। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग स्कर्ट्स थे वो मिल रहे थे, ये कुछ कॉटन में थे, कुछ शिफॉन में थे, जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ में मिल रहे थे। और इनका ना कलर जो था ना बहुत अच्छा था, सॉरी 200 रुपीज़ में मिल रहे थे, मुझे एक जगह 250 भी बताए थे इसलिए मैंने बोल दिया। ये येलो वाला कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनमें ना, मतलब कुछ बनारसी वाले कपड़े में भी थे, कुछ कॉटन में भी थे और कुछ जॉर्जेट में भी थे। उसके जस्ट आगे चले तो यहाँ पे फिर से प्लोवर्स आ गए, तो मैंने जैसे आपको बोला ना हर स्टॉल पे ना लॉन्ग स्वेटर्स, प्लोवर्स और जैकेट्स ही मिलेंगी और बच्चों का भी कलेक्शन मिलेगा। तो भाई सरोजनी में जाओ और लूट लगा के आओ, मतलब लूट मारो वहाँ पे जाके। यहाँ पे जो थे इयर रिंग्स मिल रहे थे जिनके रेट अलग अलग थे, 100, 200, 50 ऐसे थे, ज़्यादातर नीचे वाले 100 और 50 के थे और ऊपर वाले थोड़े महंगे थे। यहाँ पे 250 रुपीज़ के ना सिर्फ गर्म पजामे मिल रहे थे नाई सूट्स के, तो सिर्फ गरम पजामे जो थे 250 रुपीज़ के थे और 500 रुपीज़ का पूरा सेट मिल रहा था, अपर भी था और इसमें पजामा भी था गरम वाला। तो यहाँ से हमने लिया है 250 रुपीज़ का पूरा सेट लिया है, वो सेट उन्होंने अलग लगा रखे थे और पजामे अपने अलग कर रखे थे। तो सेट में कलेक्शन था, कलर ऑप्शन थोड़े कम थे, पजामों में जो सिंगल सिंगल पजामे में थे उसमें कलर ऑप्शन ज़्यादा थे। तो अगर आपको पूरा मिक्स लेना है तो आप 500 रुपीज़ का ले सकते हो क्योंकि ज़्यादातर हर स्टॉल पर ऐसे ही दे रहे थे। और उसके जस्ट बराबर में यहाँ पे ना सेल लगी हुई थी 250 रुपये की, जो कि चप्पल और गर्म वाले चप्पल जो होते हैं ना विंटर्स के लिए जो पहनते हैं लोग घर में, ये थे 250 रुपीज़ के थे और बहुत अच्छा कलेक्शन था चप्पलों का भी, मतलब फ्लैट्स जो मिल रहे थे 250 रुपीज़ की सेल में। 300 रुपीज़ में जैकेट्स मिल रही थी लॉन्ग, और यहाँ पे ना ये ब्लेजर्स मिल रहे थे जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में थे। अगर वैसे तो ये जेंट्स के ही मतलब के थे, लेडीज़ के मतलब के नहीं थे, 100 रुपीज़ में थे। यहाँ पे इस स्टॉल में जेंट्स ही ज़्यादा खड़े थे। फिर यहाँ बच्चों का कलेक्शन था थोड़ा बहुत जो कि 300 में था, या मिक्सअप था, बच्चे भी थे बड़े भी थे। और फिर हमें एक दिखी
शर्ट्स की दुकान जो कि स्टॉल थी बाहर लगी हुई, ये रेट तो शायद 700 समथिंग बता रहे थे बट हमने इनसे 300 में ले लिया आराम से। जेंट्स भी यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग करा सकते हैं। 30-30 रुपए का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें इयर रिंग्स मिल रहे थे। फिर ये वाले जो इयर रिंग्स थे ना ऊपर जो कलरफुल वाले दिख रहे हैं ये भी 30 रुपीज़ के थे। इनके पास पूरा जितना भी स्टॉल था ना ये पूरा 30 रुपीज़ के इयर रिंग्स का था। जो इनमें ना ऊपर वाले ज़्यादा अच्छे थे, नीचे वाले इतने नहीं थे, नीचे वाले थोड़े कॉमन वाले थे, सिल्वर और इस टाइप के थे। और फिर यहाँ ना गॉगल्स वगैरह जो थे 200, 250, 350 अलग अलग रेट्स में थे जिसमें आपको पैसे तो ज़रूरी कम ही कराने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे ये ट्राउज़र्स थी जो कि इनका कलर ना वाइट ब्लैक और पर्पल था जिनका ना बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल भी था ट्राउज़र था। हाँ थोड़ा अपने हिसाब से ऑल्टर तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि ये फुल लेंथ होते हैं। और इसके जस्ट बराबर में एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि ना सिर्फ 100 रुपीज़ में ये ब्लेजर्स मतलब लॉन्ग वाले कोट दे रहे थे। कुछ इसमें 100 थे, कुछ 250 के थे। और ना मतलब मैं जैसे कि बोला ना कि बहुत ज़्यादा कोट्स वगैरह का भी सीज़न था तो ये 250 रुपीज़ का पूरा स्टॉल था। फिर यहाँ पे जो ये स्वेटर्स थे ये भी थे यहाँ पे 200 रुपीज़ के। ये जेंट्स के स्वेटर थे मेंस के, तो इनमें सब हाई नेक भी थे और बंद वाले भी थे और फ्रंट ओपन भी थे। तो ये 200 रुपीज़ का पूरा स्टॉल था जेंट्स का। फिर उसके जस्ट आगे हम चले ना तो आजकल ये क्रॉप वाले जो चल रहे हैं यहाँ पे ये सब जैकेट्स और टॉप्स वगैरह थे। इनके रेट्स अलग अलग थे जैसे मैंने बताया आपको 500, 600, 200 इस टाइप के। और यहाँ पे एक स्टॉल थी जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ की ये क्रॉप वाली वुलन जैकेट दे रहे थे। तो इनके पास भी बहुत सारा ऑप्शन था और ये फ्री साइज होते हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये सबको आ सकते हैं क्योंकि ये क्रॉप में होते हैं और इनका साइज़ कोई नहीं होता, ये सिर्फ फ्री साइज होते हैं। तो इनके पास ना थोड़ा ड्रेसेस वाला भी ऑप्शन था जो कि वो भी 250 रुपीज़ में था। और उसके ही जस्ट आगे था ना उनके जस्ट सामने एक स्कर्ट्स की पूरी शॉप थी। इसमें ना अलग अलग रेट्स में स्कर्ट थे 250, 200, 500 ऐसे। यहाँ स्पैगेटीज वगैरह मिल रही थी 100 रुपीज़ की। तो और जो ये वाले 100 रुपीज़ के जो क्रॉप वाले वुलन टॉप होते हैं ना यहाँ पे वो मिल रहे थे। इनके पास ना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। उसके जस्ट सामने स्कर्ट्स भी मिल रहे थे वुलन वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि सरोजनी में वुलन स्कर्ट्स की तो बहुत ही ज़्यादा भरमार लगी हुई है। आप कुछ भी लो यहाँ पे वुलन में क्योंकि वुलन का आया हुआ है। और ये वाला जो था ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो इस टाइप के स्कर्ट्स पहनना पसंद करते हैं वो ज़रूर से सरोजनी जाएँ, 200-200 रुपये में स्कर्ट लेके आ जाएँ और पहने। यहाँ पे ये स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में थे। तो भाई कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है यहाँ पर, आप जाओ खरीदो विंटर्स के हिसाब से, अपना सब मैचिंग करो, सब कुछ करो। यहाँ पे इयरिंग्स का स्टॉल था जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ में था। 30 रुपीज़ में इयरिंग्स मिलते हैं सरोजनी में जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर एक स्टॉल आया जहाँ पे 150 रुपये के गर्म वाले स्टॉल्स मिल रहे थे जो आजकल लोग पसंद ही करते हैं। कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाओ तो ये वाले स्टॉल्स तो बहुत काम आते हैं। फिर यहाँ पे ये मैंने जैसे बताया ना आपको हाफ वाले स्वेटर का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पर, ये ट्रेंड में बहुत हैं, हर लोग इसको ले रहे हैं, ऑनलाइन भी हर जगह मिल रहे हैं तो यहाँ सरोजनी में भी मिल रहे हैं, डेफिनेटली जाके ले लें। ये हैंडमेड वाले इयरिंग्स थे जो कि वो 50 रुपीज़ में दे रहे थे। वो ऐसे ही लेके खड़े हुए थे जो मतलब वहाँ पे सेल नहीं करते रहते खड़े होकर, उस टाइप के थे। यहाँ पे 30 रुपये का फिर से स्टॉल आ गया इयरिंग्स का जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे कलेक्शन थे। इनमें जो सिल्वर ज्वेलरी के लवर्स होते हैं वो यहाँ जाके ले सकते हैं झुमकाज वगैरह। झुमके जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं 30-30 रुपये में, और क्या चाहिए भैया, आपको झुमका मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। मैचिंग के लिए लेना है मैचिंग के लिए लो, व्हाइट लो, जो भी लेना है वहाँ 30 रुपये का जाके आराम से लो। सरोजनी से शॉपिंग करो ना सोचते हैं 10-20 रुपये 100 रुपये का आराम से सामान मिलता है, बट वो सामान जो होता है ना जब घर आके देखो ना तो वही 100-200 रुपये का सामान ना अच्छा खासा 3-4 हज़ार रुपये का ही हो जाता है। यहाँ पर जो इयरिंग्स थे वो भी ऐसी थे 50, 100, 200 सबके रेट अलग थे अकॉर्डिंग साइज वाइज। तो भाई 30-30 रुपये का भी जो सामान होता है ना वो भी बहुत महंगा लगने लगता है फिर घर जाके जब देखो तो फाइनली। और फिर जो यहाँ पर बेल्ट थी ये भी अलग अलग रेट में थी 250, 300, 400 सबके रेट्स अलग थे। फिर यहाँ पर नाइटीज़ मिल रही थी जो कि सेल में 350 रुपीज़ की थी वुलन वाली नाइटी। तो ये फुल लेंथ वाली नाइटीज़ थी जो घर में पहनते हैं वो आराम से यहाँ से ले सकते हैं 350 रुपये में वुलन वाली नाइटीज़। फिर से बच्चों का स्टॉल आ गया, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का बहुत ज़्यादा स्टॉल इस टाइम पे थे। हर जगह पे वुलन 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 का ही मैंने आपको पूरा दिखाया है इसमें। तो विंटर कलेक्शन आप मेरा देख सकते हैं। और मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे 250 रुपीज़ के स्लीपर्स मिल रहे थे मतलब फ्लैट्स जो आजकल चल रहे हैं इतने अच्छे लगते हैं ना, ऐसे आप कहीं शॉप से लोगे ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। ये 250 रुपीज़ का मिल रहा था बिल्कुल। तो सोच लो यहाँ पे जो फुल वाली नी लेंथ से नीचे वाली जैकेट्स होती है ना वो 300 रुपये की मिल रही थी। नी लेंथ से नीचे वाली जो जैकेट्स हैं कितनी महंगी
मिलती हैं, आप ऑनलाइन देखो 3,000-4,000 रुपये की मिलती है, मैंने खुद देखी है, और वहाँ पर आपको ये 300 रुपये में मिल रही हैं। जाइए सरोजनी, लीजिए, जो सरोजनी जाते हैं उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना अच्छा कलेक्शन है। फिर यहाँ पर एक शॉप आई थी जो कि वुलन की थी, वुलन कुर्ते मिल रहे थे इनके पास 350 रुपये के, जो कि कलेक्शन में बहुत अच्छे थे। ये वुलन दो टाइप के थे, एक हल्का वाला वुलन था और एक बहुत मोटा वाला वुलन था। तो ये थोड़ा कम हल्का, मतलब कम वाला वुलन था, नॉर्मल वाला वुलन था, ज़्यादा हैवी वाला नहीं था। फिर उसके आगे जस्ट अभी एक और हमने देखा था, वो थोड़ा अच्छी वाली क्वालिटी का वुलन था, बट सबके रेट सेम ही थे, 350 रुपये। और उसके बाद हम वापस घर की तरफ भी जाने लगे तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है। सारा सेल में माल निकल रहा था 250 रुपीज़ का, रात होने वाली थी, मतलब अंधेरा हो चुका था। तो हम वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगे, मेट्रो स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।